हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ेंगे हम शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, ठीक है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके वो वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो बात करते हैं आज के पहले टॉपिक शुंग वंश से। अब देखो, इसमें जो पहला पॉइंट आता है, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश का संस्थापक था, ठीक है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। अब देखो, जो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था पुष्यमित्र शुंग कौन था, वो था जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका सेनापति था। एक बार फिर से बता देता हूं, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका सेनापति था, ठीक है। अगला पॉइंट है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था, ठीक है। मैंने अभी बताया है जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन था, वो था बृहद्रथ, उसका सेनापति था कौन, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर ब्राह्मण वंश की स्थापना की, ठीक है। अब देखो, पुष्यमित्र शुंग तो था बृहद्रथ का सेनापति, और उसने बृहद्रथ की हत्या की और राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। और जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण जाति का था, ठीक है। तो इसी के कारण इसको ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा गया, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना इसी कारण से हुई है। अब आगे बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग का शासन काल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व था, ठीक है। 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व, ठीक है। आगे बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग शासकों ने विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की थी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की प्रमुख घटना विदर्भ से युद्ध थी, ठीक है। विदर्भ से युद्ध थी जो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की प्रमुख घटना थी, वो क्या थी, विदर्भ से युद्ध थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है इसमें, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध में पराजित कर दिया था, ठीक है। किसको? मिनांडर को। आगे बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने महर्षि पतंजलि के माध्यम से अपने राज्य में दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है। अब देखो, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, आपने रामायण में भी देखा होगा, राजा यज्ञ करके एक घोड़े को छोड़ देता है, और जो भी उस घोड़े को पकड़ेगा वो राजा को चुनौती देगा युद्ध के लिए। तो पुष्यमित्र शुंग ने महर्षि पतंजलि के माध्यम से अपने राज्य में दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, पुष्यमित्र शुंग ने बरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसका निर्माण? बरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब देखो, बरहूत स्तूप कहां पड़ता है? अब आपका बरहूत स्तूप पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। बरहूत स्तूप पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट आता है इसमें, पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। कितने वर्षों तक? 36 वर्षों तक पुष्यमित्र शुंग ने सफलतापूर्वक शासन किया। अगला पॉइंट आता है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में रामायण, महाभारत तथा मनुस्मृति की रचना हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का शासक था, ठीक है। अब देखो, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, और इनकी राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी थी विदिशा, और विदिशा का शासक कौन था? अग्निमित्र। अगला पॉइंट है इसमें, यज्ञसेन विदर्भ का शासक था, ठीक है। यज्ञसेन विदर्भ का शासक था, और मैंने पहले भी बताया था कि इनके शासन काल की सबसे बड़ी घटना क्या थी, वो थी विदर्भ से युद्ध, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है इसमें, पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को यज्ञसेन पर आक्रमण करने विदर्भ भेजा था, ठीक है। किसको? पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा था। अगला पॉइंट आता है इसमें, अग्निमित्र ने यज्ञसेन के चचेरे भाई माधव सेन को अपनी ओर मिला लिया और विदर्भ पर आक्रमण कर यज्ञसेन को पराजित कर दिया था, ठीक है। अब देखो, अग्निमित्र ने क्या किया, जो यज्ञसेन का चचेरा भाई था माधव सेन, उसको अपनी ओर मिला लिया और यज्ञसेन को पराजित कर दिया युद्ध में। अब आगे बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में यवनों का डटकर सामना किया, ठीक है। यवनों का डटकर मुकाबला किया, उसने उनको मध्य प्रदेश से खदेड़ कर सिंधु के किनारे तक खदेड़ डाला था, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं भागवत सूंग वंश का नौवां राजा था। उसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन राजा एंटियलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस सूंग राजदरबार में आया था। ठीक है, अब देखो भागवत जो था वो सूंग वंश का नौवां राजा था। ठीक है, नौवां राजा था। उसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन राजा एंटियलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस सूंग राजदरबार में आया था। ठीक है, कौन सा राजदूत का नाम क्या था? राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट आता है इसमें। सूंग वंश का दसवां और अंतिम राजा देवहूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव कर्ण ने कर दी थी, और इसी के साथ कर्ण वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब देखो सूंग वंश का दसवां और अंतिम राजा कौन था? देवहूति था। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुंग वंश का अंतिम और दसवां राजा कौन था? देवहूति था। ठीक है, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव कर्ण ने की थी। ठीक है, वासुदेव कर्ण ने की थी, और इसी के साथ सुंग वंश का समापन हुआ और कर्ण वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में हमने पढ़ा ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, और स्पेशली आज हमने पढ़ा सूंग वंश के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्ण वंश और सातवाहन वंश में, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य से ही संबंधित हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।